गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, हमारा जो नया टॉपिक था वो था लिमिट्स, और उसने मैं हमने चार पांच टाइप पढ़नी थी। कल हमने कर लिया था फैक्टराइजेशन मेथड की हेल्प से लिमिट को इवेल्युएट करना। आज हमारा जो सेकंड मेथड है वो है रेशनलाइजेशन मेथड। रेशनलाइजेशन मेथड, तो रेशनलाइजेशन मेथड की हेल्प से कैसे हम लिमिट को इवेल्युएट करेंगे वो हम एग्जाम्पल से देखते हैं। जैसे फर्स्ट एग्जांपल है हमारे रेशनलाइजेशन, तो आपको पता है रेशनलाइजेशन कैसे करते हैं, छोटी क्लासों में भी आप देख चुके हैं। जैसे है इवेलुएट लिमिट एक्स टेंस टू जीरो रूट टू प्लस एक्स माइनस रूट टू बाई एक्स। आप देख सकते हैं ये जीरो बाय जीरो फॉर्म मिलेगी या यहाँ पर क्या मिलेगी, इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी। अगर आप डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाएंगे तो एक्स की जगह जीरो और ऊपर भी क्या आएगा आपके पास, रूट टू माइनस रूट टू जीरो। तो अब हम क्या करेंगे, बाय रेशनलाइजेशन मेथड हम क्या कर देंगे, रेशनलाइज। अब कई बच्चों को ये रहता है कि डिनोमिनेटर ही रेशनलाइज होता है, न्यूमरेटर रेशनलाइज नहीं होता। ऐसी कोई बात नहीं है, आप न्यूमरेटर को चाहे डिनोमिनेटर को आप रेशनलाइज कर सकते हैं। एक्चुअल में रेशनलाइजेशन में हम क्या करते हैं, सेम टर्म से मल्टीप्लाई और सेम टर्म से डिवाइड, वो तो आप किसी भी टर्म के साथ कर सकते हैं। तो जब तक आपने एक्स की जगह जीरो नहीं रख देते तब तक आपको क्या लिखना पड़ेगा, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो। ऊपर आ गया ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए स्केयर माइनस बी स्केयर। नीचे आ गया एक्स रूट टू प्लस एक्स प्लस रूट टू, टू से टू क्या हो गया कैंसल। लिमिट एक्स टेंस टू जीरो, ऊपर भी बचा एक्स और नीचे भी एक्स, रूट टू एक्स प्लस रूट टू, एक्स से एक्स क्या हो गया कैंसिल। अब आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है, अब अगर हम डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाएंगे तो जीरो बाय जीरो फॉर्म हमारी रिलीज हो चुकी है। तो एक्स की जगह जीरो रखेंगे तो क्या आया, रूट टू प्लस रूट टू, तो होल आंसर आया 1/2√2। तो बहुत ईजी है, आपने क्या कर देना है सिर्फ रेशनलाइज। लेट अस टेक वन मोर एग्जांपल, इवेलुएट लिमिट एक्स टेंस टू जीरो एक्स बाय रूट ए प्लस एक्स माइनस रूट ए माइनस एक्स। तो वही बाय रेशनलाइजेशन मेथड, बाय रेशनलाइजेशन मेथड लिमिट एक्स टेंस टू जीरो एक्स रूट ए प्लस एक्स रूट ए माइनस एक्स रूट ए प्लस एक्स प्लस रूट ए माइनस एक्स एंड रूट ए प्लस एक्स प्लस रूट ए माइनस एक्स। अब आ जाएगा लिमिट एक्स टेंस टू जीरो एक्स रूट ए प्लस एक्स रूट ए माइनस एक्स। नीचे आएगा ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए स्केयर माइनस बी स्केयर। दिस इम्प्लाइज एक्स रूट ए प्लस एक्स रूट ए माइनस एक्स बाई ए प्लस एक्स माइनस ए प्लस एक्स, एक्स से एक्स आपका क्या हो गया कैंसल, विच गिव्स एक्स रूट ए प्लस एक्स माइनस रूट ए माइनस एक्स बाई टू एक्स, एक्स से एक्स हमारा क्या हो गया कैंसल। राइट सब्स्टिट्यूशन मेथड अप्लाई करेंगे, एक्स की जगह क्या आ जाएगा जीरो, रूट ए प्लस जीरो, सॉरी ये प्लस वाला था, यहाँ पर क्या था हमारा प्लस, हम गलती से माइनस कर गए, तो ये ऊपर हमारा प्लस चल रहा था, तो रूट ए प्लस जीरो प्लस रूट ए प्लस जीरो बाय टू, ये आ गया टू रूट ए बाय टू विच गिव्स रूट ए इज योर आंसर। तो बहुत ईजी है, आपको रेशनलाइजेशन आप छोटी क्लासेज में भी कर चुके हैं, रेशनलाइज कीजिए और क्वेश्चन आपका क्या हो जाएगा सॉल्व। कई क्वेश्चन ऐसे आएंगे जिसमें आपको हो सकता है फैक्टराइजेशन और रेशनलाइजेशन दोनों भी करने पड़ सकते हैं, तो डिपेंड करता है, तो आप ईजिली अब इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए थर्ड एग्जांपल, जैसे एग्जांपल है हमारे पास लिमिट एक्स टेंस टू फोर इवेलुएट एक्स स्केयर माइनस 16 बाय अंडर द रूट एक्स स्केयर प्लस 9 माइनस 5। तो इसको भी हम क्या करेंगे, रेशनलाइज, बाय रेशनलाइजेशन मेथड ये हो जाएगा हमारा लिमिट एक्स टेंस टू फोर
एक्स स्क्वेयर माइनस 16 अंडर द रूट एक्स स्क्वेयर प्लस 9 माइनस 5 अंडर द रूट एक्स स्क्वेयर प्लस 9 प्लस 5 अंडर द रूट एक्स स्क्वेयर प्लस 9 प्लस 5। दिस गिव्स लिमिट एक्स टेंड्स टू 4 एक्स स्क्वेयर माइनस 16 अंडर द रूट एक्स स्क्वेयर 9 प्लस 5 ये हो जाएगा ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर। दिस गिव्स लिमिट एक्स टेंड्स टू 4 एक्स स्क्वेयर माइनस 16 इंटू अंडर द रूट एक्स स्क्वेयर प्लस 9 प्लस 5 और ये भी क्या बच गया एक्स स्क्वेयर माइनस 16 ये हमारा क्या हो गया कैंसल। अब डायरेक्ट सब्सटीट्यूशन मेथड लगाएंगे ये हो जाएगा 4 का स्क्वेयर प्लस 9 प्लस 5 दिस गिव्स अंडर रूट 25 प्लस 5 दैट इज 5 प्लस 5 10 इज योर आंसर। तो इस तरीके से हम इजिली रेशनलाइजेशन मेथड को अप्लाई करके लिमिट को इवैल्यूएट कर सकते हैं। लेट अस टेक वन मोर एग्जांपल इवैल्यूएट लिमिट x tends to a root a plus 2x minus root 3x root 3a plus x minus 2 root x। यहाँ भी देखेंगे तो ये कौन सी हमारी 0 by 0 फॉर्म आप डायरेक्ट सब्सटीट्यूशन मेथड लगा के देख सकते हैं। अब वही बाय रेशनलाइजेशन मेथड हमारे पास क्या आया लिमिट। अब आप कहोगे जी हम न्यूमरेटर को करें या डिनोमिनेटर को नीचे जीरो किसकी वजह से आ रहा है डिनोमिनेटर की वजह से तो हम यहाँ पर डिनोमिनेटर को क्या करेंगे रेशनलाइज और हो सकता है आप चाहें तो न्यूमरेटर को भी रेशनलाइज कर सकते हैं लेकिन हम पहले किसको करेंगे डिनोमिनेटर को क्या करेंगे हम रेशनलाइज क्योंकि देखो अगर ऊपर और अब यहाँ पर हमें न्यूमरेटर को भी करना पड़ेगा और डिनोमिनेटर को भी क्योंकि न्यूमरेटर में भी जीरो आ रहा है और डिनोमिनेटर में क्या मैं भी क्या आ रहा है जीरो और दोनों ही क्या है स्क्वायर रूट के टर्म तो आप कैसे क्या कीजिए दोनों को ही पहले एक बार करोगे दूसरा अगर दिक्कत आएगी तो फिर दूसरे को भी करना पड़ेगा तो इकट्ठा ही हम क्या कर देते हैं दोनों को ही एक टाइम पर हम क्या कर देते हैं यहाँ पर रेशनलाइज तो दोनों को रेशनलाइज कीजिए हमारे पास आ जाएगा रूट ए प्लस 2x माइनस रूट 3x रूट 3a प्लस x माइनस 2 रूट x पहले इसको कर देते हैं रूट 3a प्लस x प्लस 2 रूट x रूट 3a प्लस x प्लस रूट 2x अब यहाँ पर इसको कर देते हैं रूट a प्लस 2x प्लस रूट 3x रूट a प्लस 2x प्लस रूट 3x लिमिट x टेंड्स टू a। अब हम क्या करेंगे इकट्ठा कर लेंगे ये हो गया a माइनस बी इंटू ए प्लस बी ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर ये एज इट इज रूट थ्री ए प्लस एक्स प्लस टू रूट एक्स अब ये हो गया a माइनस बी इंटू ए प्लस बी ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर और ये टर्म आपकी एज इट इज। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे ये हो गया लिमिट x टेंड्स टू a ये हो गया a माइनस एक्स और ये हो गया हमारा 3a माइनस 3x और ये एज इट इज अंडर द रूट 3a प्लस x प्लस 2 रूट x अंडर द रूट a प्लस 2x प्लस रूट 3x। दिस गिव्स लिमिट x टेंड्स टू a माइनस x इंटू 3 टाइम्स a माइनस x ये आपका क्या हो गया कैंसल। अब सिर्फ इतना सा काम करना है कि हमने क्या लगाना है डायरेक्ट सब्सटीट्यूशन मेथड। तो डायरेक्ट सब्सटीट्यूशन मेथड लगाएंगे तो लिमिट लिखना हम छोड़ देंगे जहाँ जहाँ x है उसकी जगह हम क्या रखेंगे a तो हो जाएगा रूट 3a प्लस a प्लस 2 रूट a और ये हो जाएगा रूट a प्लस 2a प्लस रूट 3a विच गिव्स द आंसर ये हो गया रूट 4a रूट 4a क्या हो जाएगा 2a ये हो जाएगा 2 रूट a प्लस 2 रूट a बाय 3 रूट 3a प्लस रूट 3a।
ये हो जाएगा फोर रूट ए बाय में थ्री, टू टाइम्स ये हो जाएगा थ्री इंटू टू टाइम्स रूट थ्री ए। अब ये हो जाएगा हमारे पास दिस गिव्स टू टू ज़ा फोर, और रूट ए से रूट ए क्या हो जाएगा कैंसल, ये हो जाएगा वन टू बाय थ्री रूट थ्री। आप इजीली आप इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। एक और एग्जांपल देख लीजिए ताकि आपको ये क्लियर हो जाए। आज हम एक ही मेथड करेंगे जो है हमारा रेशनलाइजेशन मेथड। नेक्स्ट है हमारा एग्जांपल नंबर फाइव देख लीजिए। जैसे हमारा लिमिट एक्स टेंस टू ज़ीरो रूट वन प्लस एक्स माइनस वन बाय एक्स, फिर वही बाय रेशनलाइजेशन मेथड लिमिट एक्स टेंस टू ज़ीरो रूट वन प्लस एक्स माइनस वन बाय एक्स, रूट वन प्लस एक्स प्लस वन रूट वन प्लस एक्स प्लस वन। दिस गिव्स ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, बाकी एज इट इज़ वन से वन क्या हो गया कैंसल। लिमिट एक्स टेंस टू जीरो एक्स बाई एक्स इंटू रूट वन प्लस एक्स प्लस वन। अब डायरेक्ट सब्सटीट्यूशन मेथड लगाएंगे तो क्या हो जाएगा वन प्लस वन, आंसर क्या आ जाएगा आपके पास वन बाई टू। तो इस तरह से आप जितने भी क्वेश्चन हैं जिसमें स्क्वेयर रूट आता है उनको इसकी हेल्प से सिंप्लीफाई कर सकते हैं। एक और एग्जांपल देख लीजिए, जैसे लिमिट एक्स टेंस टू टू एक्स माइनस टू बाय रूट एक्स माइनस रूट टू। अब यहाँ पर आप चाहें तो फैक्टर अगर आपको बनाने आते हैं तो फैक्टर भी बना सकते हैं और रेशनलाइजेशन मेथड की हेल्प से भी इसको सोल्व कर सकते हैं। जैसे फैक्टराइजेशन मेथड की हेल्प से पहले हम इसको सोल्व करते हैं तो इस फैक्टर बना लेंगे। लिमिट एक्स टेंस टू टू रूट एक्स का होल स्केयर माइनस रूट टू का होल स्केयर बाय रूट एक्स माइनस रूट टू। लिमिट एक्स टेंस टू टू ए स्केयर माइनस बी स्केयर का फार्मूला होगा ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ये दोनों आपस में क्या हो गई कैंसल। अब एक्स की जगह आप रखोगे तो ये आ गया रूट टू प्लस रूट टू, तो आंसर आपका क्या आ गया, आंसर आपका आ गया टू रूट टू। सेकेंड मेथड वो हम रेशनलाइजेशन मेथड की हेल्प से भी इसको सोल्व कर सकते हैं। लिमिट एक्स टेंस टू टू एक्स माइनस टू बाय रूट एक्स माइनस रूट टू इंटू रूट एक्स प्लस रूट टू बाय रूट एक्स प्लस रूट टू बाय रेशनलाइजेशन मेथड। दिस गिव्स लिमिट एक्स टेंस टू टू एक्स माइनस टू इंटू रूट एक्स प्लस रूट टू, ये हो गया ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी ए स्केयर माइनस बी स्केयर, और डायरेक्ट मेथड अप्लाई करते ही यहाँ पर भी क्या आ गया आंसर टू रूट टू। तो आप जैसे चाहें अगर फैक्टराइजेशन फैक्टर भी बनाने आते हैं तो फैक्टर लगा सकते हैं, और अगर ऐसे चाहें तो आप ऐसे कर सकते हैं। तो आज आपने ये सारे रेशनलाइजेशन मेथड, हम अगला मेथड तो आज कंप्लीट हो नहीं पाएगा, वीडियो ज़्यादा बड़ी हो जाएगी, इसलिए हम आज यहीं तक करते हैं। बस एक स्टैंडर्ड रिज़ल्ट आपको याद रखना है, एक स्टैंडर्ड रिज़ल्ट मैं आपको बता देता हूँ जो आपको याद रखना है कल के लिए। स्टैंडर्ड रिज़ल्ट, स्टैंडर्ड रिज़ल्ट जिनका हम डायरेक्ट यूज़ करेंगे वो है हमारे पास लिमिट x टेंस टू a x की पावर n माइनस a की पावर n बाय x माइनस a, इस लिमिट का आंसर आएगा n a की पावर n माइनस वन। ये स्टैंडर्ड रिजल्ट हम तभी अप्लाई कर सकते हैं जो x यहाँ पर है वही x, ये तीनों x हमारे सेम होने चाहिए, x हो x प्लस वन हो x माइनस वन हो सेम होने चाहिए, जो यहाँ पर है वहीं ये सेम होनी चाहिए। यहाँ पर a प्लस टू है तो यहाँ पर भी a प्लस टू होना चाहिए, यहाँ पर भी a प्लस टू होना चाहिए, और पावर हमारी क्या होनी चाहिए सेम। तो उसका आंसर आएगा पावर n की n, ये जो यहाँ पर जो x के साथ कॉन्स्टेंट टर्म होगी वो, और उसकी पावर n माइनस वन। तो ईजिली हमारा जो क्वेश्चन है वो ईजिली हमारा सोल्व हो जाएगा। जैसे एक मैं आपको एग्जांपल बस इसका लिख के बता देता हूँ ताकि आपको फार्मूला का थोड़ा सा याद भी हो जाएगा। लिमिट x टेंस टू टू x की पावर 10 माइनस 1024 बाय x माइनस टू। अब ना तो आप इसके फैक्टर बना सकते हैं क्योंकि x की पावर 10 a की पावर 10 माइनस b की पावर 10 को तो हमारे पास फैक्टर अवेलेबल नहीं है, ना यहाँ पर ऑपरेशनलाइजेशन मेथड अप्लाई कर सकते। तो आप हम यहाँ लगाएंगे स्टैंडर्ड फॉर्म, तो यहाँ पर हम करेंगे लिमिट x टेंस टू टू x की पावर 10
अगर आप 2 की पावर 10 को सोल्व करेंगे तो वो क्या वैल्यू देगा, वो वैल्यू देगा हमें 1024, और बाय में एक्स माइनस टू, बाय यूजिंग फार्मूला, बाय यूजिंग स्टैंडर्ड लिमिट। स्टैंडर्ड लिमिट क्या कहती है, एक्स 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 तीनों सेम, ए ए ए तीनों सेम, पावर सेम, तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, एन ए की पावर एन माइनस वन, तो 10 × 2 की पावर 9। इसको आप सोल्व करेंगे तो आंसर आएगा 5120। तो कल हम इससे रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे। आज आपने ये स्टैंडर्ड रिजल्ट याद रखना है और रेशनलाइजेशन मेथड के क्वेश्चन को सोल्व करना है। थैंक यू।